ब्राजील में भीषण विमान हादसा, 62 लोगों को ले जा रहा प्लेन क्रैश, विमान का कैसे बिगड़ा संतुलन। बड़ी खबर ब्राजील से है। दरअसल ब्राजील में एक प्लेन क्रैश हो गया। इस प्लेन क्रैश में सवार सभी 62 लोगों की जान चली गई। ये एक टर्बो प्रॉप प्लेन था जो कि शुक्रवार को ब्राजील में साओ पाउलो के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई। दुर्घटना स्थल के पास स्थानीय अधिकारियों ने ये जानकारी दी। इस दुर्घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें हादसे की भयावहता नजर आ रही है। विमान आसमान में अनियंत्रित हो गया और गोल गोल घूमने लगा और इसी स्थिति में विमान जमीन पर आ गिरा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान हादसे के वीडियो में दिखाया गया कि एटीआर निर्मित विमान नियंत्रण से बाहर हो गया और घरों के पास पेड़ों के एक समूह के पीछे गिर गया। इसके बाद काले धुएं का एक बड़ा गुबार उठा। विनेडो के पास वेलिनहोस के शहर के अधिकारियों ने कहा कि कोई भी जीवित नहीं बचा और स्थानीय कॉन्डोमिनियम परिसर में केवल एक घर क्षतिग्रस्त हुआ, जबकि किसी भी निवासी को चोट नहीं आई। दुर्घटना के तुरंत बाद एक कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने कहा, मुझे एक बुरी खबर का वाहक बनना है। इसके बाद उन्होंने विमान दुर्घटना के बारे में सूचित किया। इसके साथ ही उन्होंने दुर्घटना के पीड़ितों के लिए एक मिनट का मौन रखने को कहा। वहीं एयरलाइन वोएपास ने कहा कि विमान ने पराना राज्य के कास्कावेल से साओ पाउलो के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। ये विमान साओ पाउलो से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में विनेडो शहर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अनलिस्टेड एयरलाइन ने कहा कि इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दे सकते। PSVPB रजिस्ट्रेशन वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ? हादसे के कुछ ही मिनट बाद साओ पाउलो के राज्य अग्निमिशन विभाग ने कहा कि वे दुर्घटना स्थल पर 7 कर्मचारियों को भेज रहा है। विमान को फ्लाइट ट्रैकर ATR 72500 टर्बोप्रॉप के रूप में लिस्टेड किया गया। ATR का स्वामित्व एयरबस और इतालवी एयरोस्पेस समूह लियोनार्डो के पास संयुक्त रूप से है। ATR ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन बड़ी खबर तो यही है कि विमान में सवार सभी 62 लोगों की जान चली गई।